लेफ हैंडर्स को होती है ये पांच परेशानियां। आज तक नहीं मिला हल। लेफ हैंडर्स डे है यानी उन तमाम लोगों का दिन जो अपना हर काम बाएं हाथ से करते हैं। लेफ्ट हैंडर्स से जुड़े सच्चे और झूठे कई किस्से सुनने को मिलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाकई में लेफ्ट हैंडेड यानी खबू लोगों को आम जिंदगी में कई छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अखबार या किताब पढ़ते वक्त दाएं हाथ से पन्ने पलटते हैं। दाएं हाथ की तुलना में बाएं हाथ से पन्ने पलटने में लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है। लेफ्ट हैंडर्स की आंखों के सामने बाएं हाथ बार बार वाइप होने की वजह से ध्यान भी भटकता है। विशेष जगहों पर लगी एंट्री और एग्जिट मशीनें भी राइट हैंडर्स को ज्यादा सहूलियत देती हैं। आपने शायद ही कहीं लेफ्ट हैंड साइड पर कार्ड प्रेस करने की जगह देखी होगी। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के मामले में तो यह मसला और भी ज्यादा पेचीदा है। ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स राइट हैंडर्स को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। लेफ्टी लोग ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बजा सकते, इसलिए उन्हें अपने हाथ को ध्यान में रखकर संगीत के उपकरण खरीदने पड़ते हैं। कई लोग तो गिटार या वायलिन की स्ट्रिंग्स को उल्टे सिरे से बंधवा कर गिटार इस्तेमाल करना पड़ता है। आम तौर पर किसी से हाथ मिलाते वक्त लोग दायां हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंडर्स यही काम बाएं हाथ करते हैं। ऐसे में फर्स्ट मीटिंग पर उन्हें कई बार दिक्कत झेलनी पड़ती है। लेफ्ट और राइट हैंडर्स माउस का इस्तेमाल भी बिल्कुल अलग तरह से करते हैं। लेफ्ट हैंडर्स अगर बाएं हाथ से माउस का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें क्लिक करने के लिए रिंग फिंगर की जगह मिडिल फिंगर का इस्तेमाल करते हैं।